हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के एन के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर में और ये एन ऐसी एक किताब है विच इज़ ऑफन मिस्ड आउट ऑन बट जिसके क्वेश्चंस अब आजकल आपको पॉलिटी के आइडिया से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए बहुत आते हैं प्रीलिम्स के अंदर एंड दैट इज़ योर क्लास इलेवन पोलिटिकल थ्योरी एन सो वॉट आई हैव डन इज़ कि यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार देखे जाते हैं एंड प्रीवियस ईयर्स में इनके ऊपर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी हमने देखे हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनके एस्पेक्ट्स को मैं आपको जल्द से जल्द समझाऊंगी ठीक है इनके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि ये थियोरेटिकल आइडियाज़ हैं इनमें इनका क्या मतलब है क्या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं उन्हें समझना ज़रूरी हो जाता है अब इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए इज दैट ऑफ फ्रीडम इनफैक्ट अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस देखते हैं ये जुड़ा है इंटरनसिकली टू द आइडिया ऑफ फ्रीडम चाहे ये पॉलिटिकल फ्रीडम हो सोशल फ्रीडम हो इक् इकोनमिक फ्रीडम हो हर तरह की फ्रीडम जो कि इंश्योर कर सकती है अ वेल लिव्ड लाइफ टू इट्स सिटीजन इनफैक्ट यही फ्रीडम के कॉन्सेप्ट ने हमारी जो नेशनल स्ट्रगल थी उसको कंटिन्यूसली फ्यूल प्रोवाइड किया अब ये फ्रीडम का आइडिया किस तरह से समझाया गया क्योंकि ये एन की किताब में है मतलब इसे आप एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मान सकते हैं अगर इसके अंदर कोई स्टेटमेंट कोई आइडिया लिखा गया है दैट द बुक अग्रीज विथ तो ये आपके प्रीलियम्स में भी उस स्टेटमेंट को करोबरेट करेगा वो स्टेटमेंट सही ही होगी अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं फ्रीडम की तो ये चैप्टर कहता है कि देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक है थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जहां पे फ्रीडम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी नेशनल स्ट्रगल को देखें इसका मतलब क्या था कि कुछ एक्सटर्नल कंस्टेंट से हम छुटकारा पाते थे कलोनियल रूल कलोनियल डोमिनेशन से हम छुटकारा चाहते थे तो जब हम इन बाहर के डोमिनेटिंग एस्पेक्ट्स को तोड़ पाएं जब हम इन कंस्टेंट्स को हटा पाए तो इन एब्सेंस ऑफ कंस्टेंट्स की कंडीशन को हम क्या कहते हैं एक आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है इसे माना जाता है अब ये कलोनियल कॉन्टेक्स्ट में भी समझी जा सकती है आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी समझ सकते हैं इसे अगर आपसे कोई जोर जबरदस्ती करके काम करवा रहा हो तो क्या वो काम आप फ्रीली कर रहे हैं नहीं आप वो काम फ्रीली नहीं कर रहे हैं यू आर इन अ स्टेट ऑफ अंड फ्रीडम राइट फॉर एग्जाम्पल बेगार बेगार क्या है एक किस्म का स्लेव लेबर है जहां पे लोगों को पुश किया जाता है फोर्स किया जाता है इस तरह के बेगार को परफॉर्म करने के लिए विच देम इन टू स्टेट ऑफ अन फ्रीडम इसको अब इस किताब ने ऑल्सो रिलेट किया है टू द गांधी आइडिया ऑफ स्वराज अब स्वराज को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें दो चीजें स्व प्लस राज स्व मीनिंग सेल्फ एंड राज मीनिंग रूल। अब इस आइडिया को भी वो कहते हैं कि हम ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉनोटेशन में समझ सकते हैं राइट right? स्वराज का पहला आइडिया रूल ऑफ सेल्फ मतलब अपने पॉलिटी अपने स्टेट को हम खुद हमें अधिकार हो गवर्न करने का रूल करने का ये एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेन के साथ जो है आप कंपेयर कर सकते हैं वहीं पे एक पॉजिटिव आइडिया ऑफ फ्रीडम भी आता है जहां पे हम कहते हैं कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्टेंस और डोमिनेशन इनफ़ नहीं है फ्रीडम ट्रू फ्रीडम के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट चाहिए वो क्या है दैट इज कि एडिक्वेट कंडीशंस हो सके लोगों के लिए डेवलप करने के लिए इनकी क्रिएटिविटी एंड केपेबिलिटीज राइट right? सो so, पूरी तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाए तो इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे अपनी पूरी पर्सनालिटी को अपने सेल्फ को हम अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करके ये समझा सकते हैं व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस टू टेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन्स और एक फ्री सोसाइटी ऐसी ही सोसाइटी होगी ये किताब बहुत बढ़िया चीज़ करता है तो अगर आपको एक स्टेटमेंट आ जाए वॉट विल बी अ फ्री सोसाइटी दे से अ फ्री सोसाइटी इज वन जो कि एनेबल करती है इसके सारे मेंबर्स को टू डेवलप देयर पोटेंशियल ठीक है तो आप अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर पाए विद मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंस अब ये बहुत जरूरी है यहां पे ये नहीं लिखा नो सोशल कंस्ट्रेंट यहाँ पे लिखा है मिनिमम जितने कम से कम हो सके हाउ कुछ रीजनेबल कंस्टेंट हम लगा सकते हैं क्योंकि हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं इनफैक्ट यही आइडिया जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया है इसी से जुड़ा है इसके ऊपर भी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया है कि एक मिनिमम सोशल कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को इस्टेबलिश करने के लिए जो कुछ रीजनेबल ग्राउंड रूल सेट कर सके जिसके थ्रू हमारी सोसाइटी आराम से काम फ्री सोसाइटी right? के दो एस्पेक्ट्स क्या हो गए? फ्रीडम डोमिनेशन एक्सटर्नल कंट्रोल से, एंड देन सेकेंडली अपनी पोटेंशियल को कंप्लीटली इवॉल्व करने के लिए हमें फ्रीडम चाहिए सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से बिकॉज ये हमें फ्रीडम नहीं दे पाएंगे अगर सोशल इनक्वालिटीज हैं कास्ट के बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे तो क्या आप अपनी पोटेंशियल को पूरा कर पाएंगे नहीं है ना अब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस को भी हम देख सकते हैं किसे फॉर एग्जांपल अर्स्ट वाइज पहले फ्रीडम से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन को जारी होने से पहले ऑफ कास्ट बिकेम अ मेजर हिंड्रेंस फॉर स्टूडेंट्स टू अक्वायर गुड क्वालिटी एजुकेशन एवरी वे सिमिलरली आज हम रिलीजन के मुद्दे को भी देख सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हिजाब का मुद्दा उठता है क्या वो उसके बेसिस पे एक्सेस टू एजुकेशन डिनाई करना सही है या गलत है राइट right? तो इसीलिए ये बोला गया था टाइम एंड अगेन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भी कि अगर हमें जेन्युन फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम इज नॉट इनफ सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अंदर एक्सट्रीम डिफरेंसेस होना बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कि आपकी टॉप वन परसेंट कंट्रोल कर रही हो नाइनटी परसेंट ऑफ द वेल्थ वहीं ढेर सारे लोग जो हैं आप पुष्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन जो कि अपने जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उन्हें भी फुलफिल ना कर पाए अब किस तरह से हम डिसाइड करेंगे अब हमने बात कर लिया ना ये मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट होने चाहिए अब ये मिनिमम या रीजनेबल कंस्ट्रेंट क्या है हम इनको कैसे डिसाइड करें अब ये किताब कहती है और रिलेट करती है इसे टू अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट गिवन बाय जे एस मिल राइट तो अब आपको लग सकता है ये पी एस आर की बात हो रही है बट क्योंकि आपकी एनसीआरटी की क्लास इलेवन की किताब में है मतलब ये सबको बेसिक ऐसी चीजें ये पता होनी चाहिए रिलेट करता है टू ऑफ हार्म प्रिंसिपल जो कि कि गाइड करता है कि किस तरह से आप डिसाइड करें कि कौन से कंस्ट्रेंस मिनिमल हैं रीजनेबल हैं एंड कौन से एक्सेसिव हैं अब इसे डिसाइड करने के लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया इन्हें इंटू टू काइंड ऑफ एक्शन फर्स्ट आर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड नेक्स्ट आर अदर रिगार्डिंग एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कौन से होते हैं जिनपे सिर्फ ऐसे एक्शन जिनको करने से सिर्फ मे पे इंपैक्ट आ रहा है राइट सो आई वॉन्टिंग टू डिसाइड कि मैं किससे शादी करना चाहती हूं या मैं डिसाइड करना चाहती हूं कि मैं कौन सी डिग्री करना चाहती हूं क्या मैं मेडिकल करना चाहती हूँ क्या मैं नॉन मेडिकल करना चाहती हूँ या मैं ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स परस्यू करना चाहती हूँ तो ये क्या है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है ये किसी और को किसी तरह का सीरियस हार्म नहीं पहुंचाते हैं एंड देन देर आर अदर रिगार्डिंग एक्शन जिनके परफॉर्मेंस से दूसरों को हार्म हो सकता है से फॉर एग्जाम्पल मैं रोड के ऊपर बहुत ही अपनी गाड़ी लेके जा रही हूँ और मैं स्पीड लिमिट तोड़ रही हूँ बहुत ही रैशली ड्राइव कर रही हूँ मुझे मजा आ रहा है मेरी गाड़ी है बट इसके कॉन्सिक्वेंस में दूसरे सफर कर सकते हैं आई माइट यू नो गो एंड रैम माई into someone else विच माइट कॉज इंजरी और इवन डेथ तो ये क्या हो गई ये अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गए अभी कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के ऊपर किसी तरह से भी स्टेट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए बट वेन इट कम्स टू अदर रिगार्डिंग एक्शन यहां पर स्टेट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं अब यहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लीगल आइडियाज देने के लिए कहते के हैं कि हम दो तरह के हो सकते हैं एक हो सकता है सीरियस हम जिसके लिए हमें फोर्स ऑफ लॉ या फिर लीगल रूल्स या लीगल पनिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है राइट सो फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से चोरी कर ली या फिर मैंने किसी का मर्डर कर दिया या फिर मेरे किसी हरकत के कारण किसी को जो है ग्रोस इंजरी जो है ये हो गई देन नेक्स्ट इज वट वी कॉल इज माइनर हार्म जहां पर जेएस मिल का क्या कहना है राधर देन फोर्स ऑफ लॉ सोशल डिसअप्रूवल जो है ये फॉलो करना चाहिए ठीक है जहां पे ये कहते हैं कि देखिए है, से फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ ऐसी चीजें बोली जो कि कहीं की किसी कम्युनिटी को या किसी के आ, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को पसंद नहीं आई अब ये कहते हैं बहुत सीरियस हार्म है जिसके लिए आप उनको लाइफ इम्प्रजनमेंट दे दें राइट दे? आप जो है सोशल डिसअप्रूवल के थ्रू भी जो है चीजों को करेक्ट कर सकते हैं सिमिलरली से आपकी सोसाइटी के अंदर कोई इंसान है जो बहुत लाउड म्यूजिक बजाता है तो वो कहते हैं कि पुलिस को मताप लाई है आपकी कोई आर डब्ल्यू ए है आप उनके थ्रू जो है उनसे एक्शन ले लीजिए या एक जो है सोशल बॉयकॉट सा कर दीजिए उस इंसान का जिसके कारण दैट पर्सन विल बी फोर्स टू करेक्ट ठीक है फोर्स ऑफ लॉ जो है बहुत सीरियस हार्म के लिए ही आनी चाहिए बिकॉज फ्रीडम पे ये इन्फ्रिंज करती है तो प्रपोशनैलिटी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है राइट तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि किसी एक इंसान ने जो बहुत गरीब है बहुत दरिद्र हैपन्स टू स्टील अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड फॉर दैट दैट पर्सन इज गिवेन से लाइफ इम्रिजमेंट ये प्रपोशनैलिटी को एप्सलूटली डिसगार्ड करता है राइट दैट इज वाई ये कहते हैं कि डिफरेंशिएट करना बिटवीन सीरियस हार्म एंड माइनर हार्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट रीजनेबल कंस्ट्रेन आर ओनली पुट इन फैक्ट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं हमारे सोर्स ऑफ फ्रीडम्स क्या है हमारे राइट्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं जो कि मिनिमल कंस्ट्रेन है एंड यहां पे भी वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ने यही चीज को अंडरलाइन किया है कि प्रपोशनैलिटी प्रिंसिपल हम जरूर इमेजिन करें अगर किसी भी तरह से फ्रीडम या राइट्स का उल्लंघन होता है जो उल्लंघन हो रहा है दैट शुड बी इन प्रपोशन टू द काइंड ऑफ फ्रीडम जो कि हमें मिल रही है या फिर द काइंड ऑफ बेनिफिट विच विल बी अकॉर्डेड टू अ अटन ग्रुप ऑफ पीपल और मासेस ठीक है तो ये आइडिया ऑफ फ्रीडम आपके पूरे चैप्टर को मैंने कंसोलिडेट करके इस एक माइंड मैप के अंदर समझा दिया है अब बढ़ते हैं टू वर्ड आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है तो चैप्टर वन है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी वो उतना जरूरी नहीं है चैप्टर टू जो है फ्रीडम है और ये आ गया चैप्टर थ्री जो कि इक्वालिटी का है अब इक्वालिटी क्या है किस तरह से हम इसे समझते हैं पहली चीज अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं इक्वालिटी फ्रिटर्निटी राइट तो ये तीन मेन प्रिंसिपल्स जो है गाइडिंग फोर्सेस बन गए थे इस पूरी रेवोल्यूशन का एंड मॉडर्न पीरियड में राइट right? अगर हम देखते हैं एंशंट या मिडीवल पीरियड में तो इनइक्वालिटी शॉर्ट ऑफ एट बिकम अ वे ऑफ लाइफ इनफैक्ट कई बार जब हम एंशियट स्कॉलर्स को भी पढ़ते हैं से अगर हम प्लेटो को देखते हैं प्लेटो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को के अंदर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन वॉट दे वॉट ही फेल्ट फेल्टअ डिफरेंट केपेबिलिटीज रूलिंग की एक क्लास होगी एक सोल्जर्स की क्लास होगी और एक आम आदमियों की क्लास होगी सिमिलरली एरेस्टोटल का मानना था कि देखिए देर इज वन द फ्री ग्रुप ऑफ सिटीजन जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम बारबेरिक पीपल जो कि सिर्फ स्लेव बनने लायक है या इवन विमेन ठीक है अब मॉडर्न सोसाइटी में आइडियल एक आ गया है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो कि कहता है देखिए सारे ह्यूमंस ऑल ह्यूमंस हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर देयर जेंडर देयर रेस और देयर Nationality and this is based on nothing else than their shared, shared humanity. By the virtue that we all share this common humanity amongst us, we all belong to the similar kind of species, therefore, a certain basic foundational level of equality is guaranteed to us all, regardless of our color, gender, race, or nationality. वेरी इंपॉर्टेंटली इससे जुड़े कुछ और भी आइडियाज हैं अब ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि सोसाइटी में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती है कि सारे लोग एक ही तरह के काम करें एक ही तरह का स्टेटस जो इंजॉय करें अभी ऑब्वियस है किसी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस या प्रेसिडेंट का स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ स्टेटस जो कि हम आम नागरिक इंजॉय करते हैं बट हमें उस चीज का बुरा नहीं लगता क्यों क्योंकि वी अंडरस्टैंड एन एग्जॉल्टेड पोजिशन तो उसके साथ कुछ कुछ स्पेशल काम भी आएंगे एंड उसके साथ कुछ स्पेशल स्टेटस भी आएगा सो देर विल बी अ बेसिक लेवल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क इन फंक्शंस बट इसके कारण इसके कारण इस स्टेटस के कारण इस डिवीजन ऑफ वर्क के कारण किसी को किसी के एक्सेस टू ऑपरचुनिटीज को हिंडर नहीं होना चाहिए बिकॉज kind of दे वो इन टू सर्टन सर्कमस्टांसिस और बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोशल सर्कमस्टांसिस जो कि वो इंजॉय करते हैं राइट सो फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही उमदा बिजनेसमैन हो सकते हैं आप एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हो सकते हैं जिसके कारण यू ऑब्वियसली एंड अप परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेशलाइज्ड टास्क दर बाय अ सर्टेन एग्जॉल्टेड स्टेटस आल्सो इन द सोसाइटी बट दिस नॉट मीन दटर सानपन टू बी ड्राइविंग चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन लिवस इन राइट और यहाँ पे एक इन एडिकुएट एक्सेस टू जस्टिस मिले लोगों को क्योंकि दे व बोर्न इन टू डिफरेंट सोशल सर्कमस्टांसिस या फिर ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा हुन इन टू से कुछ कुछ अंडर प्रिवलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसे एक्सेस टू एजुकेशन ना मिले उसे एक्सेस टू हेल्थ ना मिले या हम एक रूल बना दें कि सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के बच्चे ही यूपीएससी का एग्जाम लिख पाएंगे बाकी आम जनता के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को दे ही ना पाए नहीं ये इनकरेक्ट होगा तो बाय दे कैन बी सर्टन डिविजन ऑफ वर्क एंड फंक्शन ऑपरचुनिटीज इक्वल एक्सेस टू ऑपरचुनिटीज जो है हर किसी के पास होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर बॉर्न और वॉट सोशल सर्कमस्टांसेस दे कम फ्रॉम ठीक है ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना ठीक है चलिए नेक्स्ट अब वेरी इंपॉर्टेंटली एक और इशू जो कि खड़ा हो जाता है इज दैट ऑफ नेचुरल डिफरेंसेज वर्सेज सोशल डिफरेंसेस अब क्या हुआ था अब ये कहते हैं दैट अब कई बार हम भी मानते हैं कि देखिए जरूरी नहीं है एवरी वन इज ऑफ इक्वल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तो ज्यादा तेज भागते हैं सर्टन पीपल मे नॉट रन एज फास्ट सर्टन पीपल कैन बी स्लाइटली मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स तो देर आर सर्टन नेचुरल डिफरेंसेस विच माइट एग्जिस्ट हाउएवर सोशल डिफरेंसिस जो हैं ये इन इक्वालिटी कॉज ना करे दैट जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और रिलीजन और जेंडर माई एक्सेस टू सर्टन गुड्स एंड सर्विस अंदर भी बहुत डिबेट है क्यों डिबेट है ancient times में हम मानते थे और आज भी कई बार कॉन्वर्सेशन होती है वेमेन कहती हैं एब्सुलटली नॉट एंड ओवर टाइम दीज आइडियाज हैिज्मेमिज्म का एक्चुअल आइडिया क्या है इक्वालिटी टू ऑल जेंडर नॉट दैट वन जेंडर शुड भी सुपीरियर टू दर बट ऑल जेंडर्स जो है इनके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए इन सारे जेंडर्स के पास राइट right? तो अब यह क्या कहते हैं कि हमारे पास अब ये प्राइवेट स्पेयर को तोड़ के

सिर्फ फॉर एग्जाम्पल पुराने टाइम्स में स्पेशली एबल जो लोग थे राइट शायद उतनी मेडिकल एडवांसमेंट नहीं हुई थी उतनी साइंटिफिक जो है एडवांसमेंट नहीं हुई थी कि उनको परफेक्ट जो है हेल्प मिल पाए टू टू बी एबल परफॉर्म ऑल द नॉर्मल टास्क ऑल्सो एडिक्वेटली अब हमारी मेडिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी हो गई है दैट रिगार्डलेस मोस्टली ऑफ वट एवर डिसिटी अ पर्सन माइट हैव गोइंग थ्रू अपनी डे टू डे दे लाइफ को आराम से जी पाते हैं जिसके कारण अब परफॉर्मेंस ऑफ टास्क क्योंकि वो कर सकते हैं सर्टन सर्विसम टास्क आर ऑल्सो ओपन टू दम जॉब्स आर ऑल्सो ओपन टू दैम क्योंकि अब वो इनको अच्छे से कर पा रहे तो इट इज़ नो लॉन्गर अ डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एडवांसमेंट डेट है सोसाइटी तो अगेन ये नेचुरल डिफरेंसेज जो है रेक्टिफाई कर दिए गए हैं ये दोनों चीज़ें जो है ये बुक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं अब ये कहते हैं तो फिर किस किस डायमेंशन में हमें इक्वालिटी देखनी चाहिए दो मेन डायमेंशन की जो है ये तीन मेन डायमेंशंस की जो है बात करते हैं सबसे पहली आती है पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी पोलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी जिसको हम बोल सकते एक फॉर्मल फॉर्मल इक्वालिटी एक फॉर्मल एक्सेस टू इक्वालिटी जो है ये होना चाहिए विच मीन्स एक आइडिया ऑफ आइडेंटिकल आइडेंटिकल ट्रीटमेंट बाय लॉ अब स्पेसिफिक वर्ड है ये वर्ड सुनो आई सिर्फ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ लिखा हुआ है आइडेंटिकल ट्रीटमेंट बाय लॉ मतलब जहां पे लॉ अवेलेबल है उसके अंदर सारे के सारे लॉ के सामने सारे के सारे लोग जो है इक्वल होने चाहिए एकदम सिमिलरली ट्रीट होने चाहिए राइट सो so, लाइक रूल्स फॉर लाइक सर्कमस्टांसिस अगर एक इंसान ने सिमिलर सर्कमस्टांस के अंडर मर्डर किया है रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही कम्स फ्रॉम द रिच क्लास और पुअर क्लास उनपे सेम रूल जो है अप्लाई होगा इसी के चलते हुए से इंडिया की भी अगर हम बात करें इंडिया में रूल ऑफ लॉ राइट टू इक्वालिटी जो है ये दिया गया है प्रोहिबिट किया गया है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिट किया गया है अनटचेबिलिटी को एंड इक्वल सिटीजनशिप दी गई है जिसके बेसिस पे सारे सिटीजंस जो है इक्वल लीगल राइट्स एंजॉय करें देन वेरी इंपॉर्टेंटली सोशल फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए सोशल इक्वालिटी जिसको हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द सोशल सर्कमस्टेंसेस इक्वल एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए और इसके अंदर अफर्मिटिव एक्शन जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ये चैप्टर कहता है बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे फॉर्मल एक पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी दे दी बट ऐसे लोगों का क्या जो कि पास्ट में इतने इनजस्टिस फेस करते आए हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए सम फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज रिक्वायर्ड जिसे हम अफर्मिटिव एक्शन कहते हैं बहुत तरीके के हो सकते हैं स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड एक्शन इज नॉट जस्ट रेजर्वेशन बट कैन बी मच मोर देन दैट बट इंडिया के अंदर रेजर्वेशन भी प्रोवाइड की गई है राइट सो फॉर एग्जाम्पल रेजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कास्ट के लिए आर्टिकल थ्री के अंदर आपके जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर देन वेरी इंपॉर्टेंटली रेजर्वेशन एजुकेशन में पब्लिक इंप्लॉयमेंट में ये सारे क्या है अ फॉर्म ऑफ अफॉर्मेटिव एक्शन है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एज टेम्पररी मेजर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी अब इसका ये मतलब नहीं है कि सबको सेम इनकम दी जाए नहीं इसका मतलब है दो चीजें पहली चीज कि जो रिच एंड पुअर है उनमें एकदम अबोमिनल काइंड ऑफ डिफरेंसेज ना हो के जैसे मैंने आपको बताया था कि वन परसेंट और नाइनटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड बाकी जो एक फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है वो बेचारे अपना डे टू डे का गुजारा भी नहीं कर पा रहे हो या फिर मास पॉपुलेशन जो है लैंग्वेज कर रही है बिलो पॉवर्टी लाइन तो ये बहुत स्टार्क डिफरेंसेस हम तभी इन इक्वालिटी इनडाइसिस भी देखते हैं जिनी को भी देखते हैं क्योंकि वो यही कहते हैं कि सबको एक सैलरी ना मिले ऑब्वियसली अगर आप डिफरेंट तरह के स्पेशलाइज टास्क करोगे तो डिफरेंशियल सैलरी होगी बट इसका ये मतलब नहीं कि जहां डॉक्टर्स तो मर्सिडीज पोर्साज ये सब खरीदें जो बेचारे नर्सेज हैं या कंपाउंडर्स हैं, वो बेचारे अपने डे टू डे का गुजारा भी ना कर पाए अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेज पाए इस तरह की इकोनॉमिक इनक्वालिटीज जो है नहीं

वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हाई टाइम प्लीज वेस्ट मत कीजिए और टाइम फाउंडेशन कोर्सेस की शुरुआत हो गई है अगर आपका ऑप्शनल पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से हमने प्रोड्यूस किए हैं बहुत सारे टॉपर्स साल दर साल जिनके बारे में हम बात भी करते रहते हैं जाइए हमारे वेबसाइट पे देखिए इनकी जो है पूरे डिटेल्ड एक्सपीरियंसेस को भी आप जान सकते हैं इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग जो पी में जिनके मार्क्स आए हैं पौरवी गुप्ता 285 उनके मार्क्स आए हैं उनकी कॉन्वर्सेशन भी यूट्यूब चैनल पे है जो कि हमारी स्टूडेंट थी उनका भी आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है विदाउट इवेल्युएशन के कोर्स के अगर आप अपने आंसर्स को चेक नहीं कराना चाहते मतलब हम लेक्चर्स के साथ साथ आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं हमसे तो इवेल्युएशन कोर्स है और अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटरशिप भी लेना चाहते हैं वाया टेलीफोनिक कॉल्स तो मेंटरशिप कोर्स अवेलेबल है इसके अलावा अगर आप अपने फाउंडेशन कोर्स को पूरा कर चुके हैं तो हमारे बैच फोर को ज्वाइन करने की जगह आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा जो बैच है बैच फोर है इसकी शुरुआत ओरिएंटेशन लेक्चर्स जो है ट्वेंटी जून से शुरू हो जाएंगे ट्वेंटी जून मतलब प्रीलिम्स के बाद से 24 जून से लेक्चर शुरू हैं एंड साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली डिटेल्ड शेड्यूल जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्टूबर में नहीं? तो आपके एंड ऑफ जून से अक्टूबर तक चलेंगे लेक्चर्स पूरे खत्म हो जाएंगे इसमें वीकली आंसर राइटिंग भी होगी हाफ लाइन टेस्ट भी होंगे फुल लाइन टेस्ट भी होंगे करंट अफेयर्स जो है पॉलिटिकल साइंस के वो भी इन कोर्सेज में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप डायनामिक पार्ट से भी डील कर पाए एंड साथ ही साथ में वन ऑन वन डाउट रेजोल्यूशन के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टूडे थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस